मेरे दोस्तों, 9 जनवरी 1934, 9 जनवरी 1934, पंजाब के अमृतसर शहर में खूब ठंड थी और उस ठंडी ठंडी दिन में दोपहर के वक्त पैदा हुआ एक प्यारा सा बच्चा। उसके माता पिता यानी शांति देवी कपूर जी और जयचंद कपूर जी बहुत खुश हुए क्योंकि बहुत सालों के बाद उन्हें वो बच्चा हुआ था। जैसे ही उसका जन्म हुआ, वहां के जो पंडित थे वो आए और उन्होंने उसकी हॉरोस्कोप बनाए और हॉरोस्कोप बनाकर उसे गौर से देखते रहे। और शांति देवी जी यानी उनकी मां ने पूछा कि पंडित जी क्या बात है, आप इतने गौर से क्या देख रहे हैं? तो उन्होंने कहा, कुछ नहीं बहन, ये बच्चा जो है बहुत बड़ा आदमी बनेगा, इसका बहुत नाम होगा, देश विदेश जाएगा, बड़े बड़े नेताओं में इसका उठना बैठना होगा और ये बहुत बहुत इज्जत कमाएगा। तो मेरे दादा दादी यानी जयचंद कपूर जी शांति देव जी हंसने लगे और कहने लगे, बहुत सारे लोग थे, कहने लगे कि शायद ये आर्मी का कोई जनरल बन जाएगा तो इसकी बहुत इज्जत होगी, बहुत ढोर होगी उसकी। पंडित जी की जो भविष्यवाणी थी वो तो सही थी, लेकिन वो बच्चा आर्मी का जनरल नहीं, इस देश का, इस दुनिया का एक प्रसिद्ध गायक श्री महेंद्र कपूर जी हुए थे। मेरे पिता महेंद्र कपूर जी का जन्म अमृतसर की ठंडी ठंडी हवाओं में हुआ था और उनका जो सफर था बहुत ही अद्भुत रहा, देश विदेश जाना, आते सही निकला उनका प्रोडिशन और बहुत नाम कमाया, लाखों में करोड़ों में लोगों को खुश किया और वो सभी म्यूजिक डायरेक्टर्स के लिए गाने गाए, सभी एक्टर्स के लिए गाने गाए स्क्रीन पर, बॉलीवुड में नाम कमाया, आध्यात्मिक म्यूजिक में अपना नाम कमाया, अलग अलग भाषाओं में उन्होंने गाया और उनका सफर इतना लंबा है, इतने सारे किस्से हैं उनके कि मेरा बेटा सिद्धांत और मैं सोच रहे थे कि आज उनके जन्मदिन पर हम आपके सामने क्या पेश करें, आपको क्या बताएं। हाँ सिद्धांत, डैड आपने जैसे कि कहा इतने किस्से हैं, इतने यादें हैं, तो क्यों ना आज हम दादा को उनके गानों से याद करें। हाँ बिल्कुल, कैसे? तो बैठे बैठे याद करें दादा को हम आज, शुरू करो अंताक्षरी लेकर उनका नाम। अच्छा, नाम म म मैं शुरू करूं? अरे अच्छे म म हाँ म म मेरा प्यार वो है के मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, मेरा प्यार वो है के मर कर भी तुमको जुदा अपनी बाहों से होने न देगा, मिली मुझको जन्नत तो जन्नत के बदले खुदा से मेरी जा तुम्हें मांग लेगा, मेरा प्यार वो है। हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती है सुबह ऐसे ही शाम ढले, हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। हाँ, ल 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 हाँ, लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता,
आंखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता, लाखों है यहाँ दिल वाले और प्यार नहीं मिलता, आंखों में किसी की वफा का इकरार नहीं मिलता। तेरे प्यार का तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, वफा कर रहा हूँ वफा चाहता हूँ तेरे प्यार का। क क क हाँ, अरे उनका बड़ा फेवरेट गाना था। किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से मोहब्बत का इरादा है, परस्तिश की तमन्ना है इबादत का इरादा है, किसी पत्थर की मूरत से सर दक्षिण का आइडिया आपका सर। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है एक धुंध में जाना है, संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है एक धुंध में जाना है। टिक टिक वन टिक टिक टू हाँ मिला। अरे यार क्या गाना है मनोज जी का, है प्री जहां की रीत सदा, है प्री जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ, है प्री जहां की रीत सदा, मैं गीत वहां के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ, ए प्री जहां की रीत सदा। द द द द टिक टिक वन द द तो बहुत मुश्किल। दिल करता हो यारा दिलदारा मेरा, दिल करता ऐसा कुछ कर पाए यादों में बस जाए, दिल करता ओ यार दिलदारा मेरा, दिल करता ओ यार दिलदारा मेरा, दिल करता ता तो हाँ तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नगमे लुटाता रहूं, तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही हम यूं ही मस्त नगमे लुटाते रहे, तुम मुझे देखकर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देखकर गीत गाता रहूं, गीत गाता रहूं, गीत गाता रहूं। दोस्तों ये सिलसिला जो है सिद्धांत हम यहाँ पर खत्म करते हैं, लेकिन ये प्रेरणा देते हैं अपने भाई बहनों को कि आज उनका जन्मदिन है डैड का 9 जनवरी, आज आप सब उनके ही गानों के साथ अंताक्षरी खेलें, अपने घर वालों के साथ अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ सबके साथ मिलकर खेलें और उनके गानों को याद करें, उन्हें याद करें, इससे बेहतर तोहफा आप उन्हें नहीं दे सकेंगे।
थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. थैंक यू.